आइए खबर देखते हैं मानव तस्करी को लेकर। मानव तस्करी के विरोध में युवाओं ने किया पथनाट्य। युवा रूरल एसोसिएशन नागपुर और प्रकृति संस्था बेंगलोर इनके संयुक्त तत्वावधान में आज अनचेन इस मुहिम की शुरुआत की गई। इस मौके पर युवाओं ने पथनाट्य की पेशकश दी। मानव तस्करी 79% का सबसे आम रूप यौन शोषण है। यौन शोषण की शिकार मुख्य रूप से महिलाएं और लड़कियां हैं। हैरानी की बात यह है कि 30% देशों में जो कि तस्करों के जेंडर के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, महिला तस्करों का अनुपात सबसे अधिक है। कुछ क्षेत्रों में महिलाएं ही महिलाओं एवं लड़कियों की तस्करी करती है। मानव तस्करी का दूसरा सबसे आम रूप बाल श्रम 18% है। दुनिया भर में तस्करी के शिकार लोगों में से लगभग 20% बच्चे हैं। अफ्रीका और मेकांग क्षेत्र के कुछ हिस्सों में, मुख्य तौर पर पश्चिम अफ्रीका के कुछ हिस्सों में 100% तक बच्चों की ही तस्करी की जाती है। ऐसी आम राय है कि तस्करी द्वारा लोगों को एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता है, लेकिन ज्यादातर शोषण के मामले घर के करीब ही पाए जाते हैं। आंकड़ों के अनुसार अंतर्देशीय या घरेलू तस्करी मानव तस्करी का प्रमुख रूप है। आइए डालते हैं एक नजर आंकड़ों पर। विश्व में श्रम एवं यौन अपराध के लिए की जाने वाली मानव तस्करी से लगभग 25 मिलियन व्यस्क और बच्चे पीड़ित हैं। वर्ष 2019 की रिपोर्ट में तस्करी की राष्ट्रीय प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है, जिसके अनुसार 60% मामलों में पीड़ितों को उनके देश की सीमाओं से बाहर ले जाने की बजाय देश के अंदर ही उनकी तस्करी की जाती है। पश्चिमी और मध्य यूरोप, मध्य पूर्व और कुछ पूर्व एशियाई देशों को छोड़कर दुनिया के सभी क्षेत्रों में घरेलू स्तर पर तस्करी की समस्या ज्यादा प्रबल है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों के अनुसार यौन उत्पीड़न हेतु तस्करी देश की सीमाओं से बाहर किए जाने की संभावना होती है, जबकि बाल श्रम के मामले में लोगों की तस्करी सामान्यतः अपने ही देश में की जाती है। महिलाएं और लड़कियां सबसे अधिक असुरक्षित हैं। 90% महिलाएं एवं लड़कियों की तस्करी यौन शोषण के लिए की जाती है। जानकारी के अनुसार दक्षिण एशिया में 85% मानव तस्करी बाल श्रम के लिए की जाती है। भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम हैं। युवा रूरल एसोसिएशन नागपुर और प्रकृति संस्था बेंगलुरु इनके संयुक्त तत्वाधान में यंग इंडिया अनचेंज्ड इस मुहिम में नागपुर के युवाओं के साथ मानव तस्करी के खिलाफ युवाओं का ग्रुप तैयार करना है और लोगों को इतना सक्षम करना है ताकि लोग मानव तस्करी जैसे घिनौने काम के विरुद्ध खड़े हो सके। मानेवाड़ा चौक में पथ नाट्य के माध्यम से साइबर क्राइम, बच्चों का अपहरण, ड्रग्स माफिया आदि पथ नाट्य किए गए। इस मौके पर देवराज पाटिल इन्होंने BCN समक्ष जानकारी दी है। 30 जुलाई ये वो दिन है जहां पे मानव तस्करी विरोध दिन मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। इसी क्रम में मानेवाड़ा चौक में भी कुछ ऐसे संस्था हैं जो नागपुर और बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, उनके संयुक्त तत्वाधान में मानव तस्करी विरोध दिन मनाया जा रहा है। इस समय में हमारे साथ में देवराज पाटिल है, आइए उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कार्यक्रम लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम लेने के पीछे का उद्देश्य यह है कि हम युवा रूरल एसोसिएशन और प्रकृति के माध्यम से नागपुर के कॉलेज जाने वाले छात्राओं की मदद में हम लोग शहर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इस विषय पे अवेयरनेस जनरेट करने का ये हमारा मुहिम चालू है, जिसका नाम है यंग इंडिया अनचेंड। और इसी मुहिम के तहत हम आज मानेवाड़ा चौक में जन जागृति के लिए यहाँ पर सभी इकट्ठा हुए हैं। किस प्रकार के पथनाट्य आज किए गए? हमने अलग अलग प्रकार के पथनाट्य किए, जिस पथनाट्य से हम ये चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से छोटे बच्चों का अपहरण हुआ जाता है और आगे जाके शायद मानव तस्करी इस विषय में उनको खींचा जाता है। इसके अलावा कैसे प्रेम प्रकरण सोशल मीडिया के साइड से होता है और कैसे एक लड़का और एक लड़की प्यार का बहाना करके उसका मानव तस्करी के उसको भी खींचा जाता है, इस तरीके के अनेक पथनाट्य हमने आज यहाँ पर किए गए हैं। मानव तस्करी विरोध के दिन में आज 3 पथनाट्य किए हैं जो जन जागृति का कामकाज करने वाले ले आए दिन शहर में जिस प्रकार से मानव तस्करी बड़े पैमाने पे हो रही है, इसके लिए केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर प्रशासन, इन्हें ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ शहर के नागरिकों को भी अवेयरनेस होने की बेहद जरूरी है। मानेवाड़ा चौक से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरा, BCN न्यूज नागपुर।